हेलो लर्नर्स, ग्रीटिंग फ्रॉम डॉक्टर उषा चहल। इस वीडियो में हम इनकम का मीनिंग और इसके फीचर्स की बात करेंगे। इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, व्यक्ति की आय पर ही इनकम टैक्स लगाया जाता है। इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फॉलोइंग इनकम्स को इस सेक्शन में शामिल किया जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड गेन्स, डिविडेंड, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट, मे बी क्रिएटेड फॉर रिलीजियस और फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, एनी यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एनी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन और एन इलेक्ट्रल ट्रस्ट। वैल्यू ऑफ परपोजिट, डेट इज अनुलाभ जो कि सुविधाओं के रूप में होते हैं, और प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी। ये सभी कॉन्सेप्ट हम सैलरी चैप्टर में पढ़ेंगे। स्पेशल अलाउंसेस मीन्स विशेष भत्ते जो कि कर्मचारियों को अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं। भत्ते कैश यानी नगदी के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि ये भत्ते एसएससी को वर्क प्लेस पर हुए पर्सनल एक्सपेंसेस की भरपाई करने के लिए या उसके द्वारा खर्च की गई राशि के लिए दिए जाते हैं तो भी ये एसएससी की इनकम में शामिल किए जाएंगे। यदि किसी प्रकार के कोई बेनिफिट्स या अनुलाभ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को प्राप्त होते हैं तो इनकम का ही पार्ट है। किसी प्रकार की इनकम जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में ली गई हो, वो राशि जो कि कैपिटल गेन्स में शामिल की गई हो, यदि कोई म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंश्योरेंस बिजनेस से प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं तो वो इंश्योरेंस कंपनी की इनकम ही मानी जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को अचानक ही लॉटरी जीतने से या क्रॉसवर्ड पजल से, हॉर्स रेसेस से, कार्ड गेम से या किसी अन्य खेलों से या जुए से, शर्त से किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त होती है तो ये इनकम का हिस्सा है। गवर्नमेंट के द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए कई प्रकार के फंड्स बनाए गए हैं। यदि इन फंड में से जैसे प्रोविडेंट फंड या सुपरएनुएशन फंड या ऐसा फंड जो कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर सेटअप किया गया है, यदि इन फंड्स में से किसी प्रकार की रकम किसी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो इनकम का हिस्सा है। यदि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर कोई धनराशि या बोनस प्राप्त होता है, यदि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से किसी भी प्रकार की धनराशि प्राप्त होती है बिना किसी मोल भाव के या हल्के फुल्के मोल भाव से तो धनराशि इनकम का ही हिस्सा है। यदि किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ को किसी से 50,000 रुपए से अधिक की नकदी या प्रॉपर्टी की फॉर्म में कुछ प्राप्त होता है तो ये इनकम में शामिल होगी। जब हम कोई कैपिटल एसेट खरीदते हैं तो कई बार एडवांस में बयाने के रूप में इनिशियल पेमेंट कर देते हैं और बाद में वह लेन देन सफल नहीं हो पाता, तो जो अमाउंट एडवांस में पे की गई होती है वह यदि जब्त हो जाती है या फोफिट हो जाती है तो प्राप्तकर्ता के लिए वो इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने घर खरीदने के लिए मकान मालिक से 40 लाख रुपए में घर का सौदा किया। मकान मालिक ने मुझे 3 लाख रुपए एडवांस देने को कहा और बाकी राशि 4 महीनों के बाद। मैंने 3 लाख रुपए ब्याने या इनिशियल पेमेंट के रूप में मकान मालिक को दे दिए, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मैं 4 महीनों में बची हुई 37 लाख रुपए की रकम नहीं जुटा पाई और मैंने मकान मालिक से कुछ मोहलत मांगी कि मुझे कुछ महीनों का समय और दे दीजिए, लेकिन मकान मालिक नहीं माना और मेरे द्वारा दी गई 3 लाख रुपए की राशि उसने जब्त कर ली, या यूं कहें कि मेरी 3 लाख रुपए की अमाउंट फोफिट हो गई। ये 3 लाख रुपए उस व्यक्ति के लिए इनकम है और मेरे लिए लॉस। यदि किसी भी प्रकार की सब्सिडी या कैश इंसेंटिव एसएससी को प्राप्त होता है या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई कंसेशन कैश में या सुविधाओं के रूप में प्राप्त होता है तो वह इनकम में शामिल है। लेकिन यदि व्यक्ति को एलपीजी सब्सिडी या किसी कोई और अन्य भलाई योजना के तहत कोई सब्सिडी मिलती है तो वह अमाउंट इनकम में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम का अर्थ है कि जब किसी भी प्रकार की धनराशि किसी पर्टिकुलर सोर्स से प्राप्त हो। ये धनराशि रेगुलरली भी प्राप्त हो सकती है या कभी कभी भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे हर महीने एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है तो ये मेरी इनकम रेगुलर है और इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से प्राप्त हो रही है। तो किन किन स्रोतों से किसी व्यक्ति को आय हो सकती है, ये सोर्सेज हैं: इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ इनकम की, यानी आय की विशेषताओं की बात करते हैं। इनकम
किसी निश्चित स्रोत से प्राप्त होनी चाहिए। इनकम टैक्स में यदि गैर कानूनी तरीके से कोई इनकम अर्न की गई है, यानी कमाई चाहे एक नंबर की हो या दो नंबर की, धनराशि चाहे सफेद हो या काला धन, इनकम टैक्स में ये मैटर नहीं करता, ये सभी टैक्सेबल हैं। एक नंबर की सफेद राशि व्हाइट मनी वह होती है जिसका एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, और दो नंबर में काला धन आता है जिसका मतलब है कि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उन ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया हुआ। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ये ट्रांजैक्शंस रिफ्लेक्ट होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जांच और पड़ताल शुरू हो जाती है। यदि व्यक्ति द्वारा कोई खर्चा होता है उस इलीगल इनकम को प्राप्त करने में, तो उस खर्चे की डिडक्शन व्यक्ति केवल और केवल उसी इलीगल इनकम में से ले सकता है, लीगल इनकम में से नहीं। व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई इनकम रेगुलर हो सकती है, जैसे वीकली, मंथली, क्वार्टरली हो सकती है, और यदि कोई इनकम एकमुश्त राशि के रूप में प्राप्त होती है तो उसे भी आय की श्रेणी में रखा जाएगा। इनकम हमेशा बाह्य स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए। हम खुद को खुद से यदि पे कर रहे हैं तो ये आय नहीं है। यदि कोई कर्मचारी वेतन के रूप में आय प्राप्त करता है तो इस वेतन को आय कहा जाएगा, क्योंकि ये वेतन उसे आउटसाइड सोर्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से प्राप्त हो रहा है। क्लब के सदस्यों ने आपसी लाभ के लिए योगदान दिया और कुछ खर्चों को पूरा करने के बाद बची हुई राशि इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इनकम बाह्य स्रोतों से प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम नगदी के रूप में प्राप्त हो सकती है, किसी सुविधा के रूप में हो सकती है, किसी सेवा के रूप में हो सकती है। यदि सुविधा या सेवा के रूप में प्राप्त होती है तो इसे इनकम टैक्स में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और यदि इनकम टैक्स में कोई स्पेसिफिक रूल किसी स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में नहीं दिया है तो मार्केट प्राइस के आधार पर मूल्य निकाल लिया जाएगा। डिस्प्यूटेड इनकम की बात करते हैं, ये शॉर्ट नोट के लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्प्यूटेड इनकम वह इनकम होती है जहां पर प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। मान लीजिए ए एंड बी में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। ए कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और बी कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी। मामला कोर्ट में चला जाता है। फिलहाल प्रॉपर्टी बी के पास है और उसे 5,000 रुपए का रेंट उस प्रॉपर्टी से प्राप्त हो रहा है। ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कहलाएगी और 5,000 रुपए की इनकम मिस्टर बी की टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी और मिस्टर बी ही असेसेबल है जब तक कोर्ट का फैसला आ नहीं जाता तब तक। मान लो आगे चलकर कोर्ट का फैसला ए के पक्ष में आ जाता है तो ए उस प्रॉपर्टी के लिए और उस प्रॉपर्टी से प्राप्त उस इनकम के लिए असेसेबल होगा, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तो जिस व्यक्ति के हाथों में वो प्रॉपर्टी है उसी के हाथों में असेसेबल होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनकम चाहे एक्चुअल में प्राप्त हुई हो या उपार्जित हुई हो या उदय हुई हो, ये सब टैक्सेबल है। करदाता या तो रिसीट बेसिस पर और या फिर एक्रुअल बेसिस पर टैक्स पे कर सकता है। यदि करदाता आय के उपार्जित या उदय होने पर टैक्स का भुगतान कर देता है तो उससे दोबारा टैक्स नहीं वसूला जाएगा, वह सेम इनकम के लिए दोबारा टैक्स पे करने के लिए जिम्मेवार नहीं होगा, नहीं तो ये डबल टैक्सेशन यानी दोहरे करारोपण का केस हो जाएगा। इनकम टैक्स व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई इनकम पर लगाया जाने वाला कर है, ना कि किसी भी प्राप्ति पर लगने वाला। परिवार के सदस्यों को मिलने वाले जेब खर्च राशि सदस्य के द्वारा अर्जित की गई राशि नहीं है। इसी प्रकार हस्बैंड ने यदि अपनी वाइफ को घर खर्च के लिए कोई रकम दी है तो वाइफ के लिए ये इनकम नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये रिसीट है। आजकल महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होती जा रही हैं और नौकरी करती हैं, तो यदि महिला अपने परिवार के सदस्यों को कोई रकम खर्च करने के लिए देती है तो वह अमाउंट परिवार वालों के हाथों में केवल रिसीट यानी प्राप्ति है, उसे इनकम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वह राशि परिवार के सदस्यों के द्वारा अर्जित नहीं की गई बल्कि उस महिला के हाथों में इनकम है, क्योंकि महिला ने उस राशि को अर्जित किया है। तो परिवार के हाथों में वह राशि केवल एक रिसीट है
और जिस व्यक्ति के हाथ के द्वारा वह धनराशि दी जा रही है उसके हाथों में वह इनकम है। इनकम टैक्स में केवल इनकम को कर योग्य आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से महिला को उसके माता पिता या रिश्तेदारों से यदि स्त्री धन के रूप में राशि प्राप्त होती है तो वह राशि उस महिला के लिए केवल रिसीट है, इनकम नहीं मानेंगे। यदि किसी राशि को इनकम नहीं मानेंगे तो वह अमाउंट टैक्सेबल भी नहीं होगी। यदि किसी भी प्रकार की आय गौशाला या धर्म के नाम पर प्राप्त होती है तो वो इनकम नहीं है। डाइवर्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम को समझते हैं। यदि इनकम को व्यक्ति द्वारा डाइवर्ट कर दिया जाए तो कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, लेकिन यदि इनकम प्राप्त करने के बाद उसे प्राप्तकर्ता द्वारा खर्च कर दिया जाए तो उस प्राप्त राशि के लिए प्राप्तकर्ता जिम्मेवार है और वह इनकम टैक्स के लिए भी लायबल होगा। डाइवर्शन ऑफ इनकम मीन्स जब पूरी इनकम या उसका कुछ आय का कुछ पोर्शन कानूनी बाध्यता के तहत किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है या ऐच्छिक तौर पर दे दिया जाता है, अर्थात अन्य व्यक्ति के पास तो वह आय पहुंच गई परंतु असली व्यक्ति यानी ओरिजिनल रिसिपिएंट के पास नहीं पहुंची। जब इनकम प्राप्त होने के बाद वो अन्य व्यक्ति को दे दी गई तो इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहेंगे। जब कोई इनकम मर्जी से अन्य व्यक्ति को दे दी जाती है तो इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम कहेंगे, लेकिन यदि इस इनकम को लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर किसी को दे दिया जाएगा तो इसे डाइवर्शन ऑफ इनकम कहेंगे। इनकम टैक्स केवल एप्लीकेशन ऑफ इनकम पर लगेगा, डाइवर्शन ऑफ इनकम पर नहीं। कुछ कानूनी बाध्यताओं के तहत किसी व्यक्ति की आय पर एक शुल्क बनाया जाता है और बनाए गए प्रभार की राशि को आय के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह डाइवर्शन ऑफ इनकम है तो टैक्सेबल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सरला और विमला ने दुकानदार को पापड़ सप्लाई किए और दुकानदार ने दोनों को 10 दिन बाद 2,000 रुपए देने पर सहमत हुआ। 10 दिनों बाद सरला ने दुकानदार से 4,000 रुपए प्राप्त किए। इस केस में 2,000 तो सरला की इनकम है और ये राशि उसकी टैक्सेबल इनकम में टैक्सेबल टोटल इनकम में शामिल होगी, लेकिन बचे हुए 2,000 रुपए विमला के हैं और सरला विमला को दे देगी। तो यदि 2,000 रुपए विमला प्राप्त कर लेती है तो यह राशि अब विमला की इनकम में शामिल हो जाएगी चाहे सरला ने दुकानदार से प्राप्त की थी। सरला के हाथों में केवल 2,000 रुपए ही टैक्सेबल है और विमला के हाथों में भी 2,000 रुपए टैक्सेबल इनकम है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई रकम लीगल प्रोविजंस के अंडर पे की जाती है तो इसे डाइवर्जन ऑफ इनकम कहेंगे और ये पेयर के हाथों में टैक्सेबल नहीं है। और यदि ये रकम अपनी मर्जी से बिना किसी लीगल कंपल्शन के दी जाए या प्राप्त हो जाए तो प्राप्तकर्ता के हाथों में टैक्सेबल होगी। इनकम पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इनकम पॉजिटिव तब होगी जब वो लाभ के रूप में मिलती है या इनकम प्राप्त की जा रही है, और जब किसी को लॉसेस होंगे तो वह नेगेटिव होती है। इनकम टैक्स में लॉसेस को सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड करके टैक्स के बर्डन को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट्स की। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनकम, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बनेगा कि इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम एंड नॉट ऑन रिसीट्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इनकम। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।